नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब एंड करियर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। पिछली बार दोस्तों ये वैकेंसी अहमदाबाद जोन के नाम से आई थी, इस बार ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई के नाम से आई है। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हमने सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की बात की थी। अगर आप लोगों को सेंट्रल रेलवे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाननी है तो आप लोग इससे पीछे की वीडियो दे सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हमें इस बार की टोटल वैकेंसी के बारे में जान लें तो जो टोटल वैकेंसी है वो 10,734 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है और उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो लगभग 871,721 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों अगर इसके अकॉर्डिंग हम पर सीट कंपटीशन के बारे में जानें तो इस बार जो कंपटीशन है वो 83 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी कम स्टूडेंट है एक सीट के लिए और बहुत से स्टूडेंट दोस्तों इनमें से छोड़ देने वाले एग्ज़ाम, तो कॉम्पिटिशन और भी बहुत कम रहने वाला है। इसी के कंपेरिजन में अगर हम 2018 की वैकेंसी के बारे में बात करें कि उस टाइम पे कितने वैकेंसी थी, कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, तो उस टाइम पे दोस्तों टोटल जो वैकेंसी थी वो 6,087 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई थी और जो उसके लिए फॉर्म अप्लाई हुए थे वो लगभग 17,00,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो उस टाइम पर दोस्तों अगर कंपटीशन निकाला जाए तो उस टाइम पर एक सीट के लिए जो कंपटीशन था वो 289 स्टूडेंट्स का था, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैं अभी की तुलना में। आप लोग देख सकते हैं कि अभी कंपटीशन 83 है, उस टाइम पे कंपटीशन 289 स्टूडेंट्स का था, तो इस बार कंपटीशन काफ़ी कम हुआ है। इस बार जो है वैकेंसी भी बढ़ी है और जो फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं, तो साफ पता चल रहा है कि इस बार कंपटीशन कम है तो कट ऑफ कम रहने वाली है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है अदर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट कहीं और सेलेक्ट हो गए, बहुत से स्टूडेंट्स ने तो ALP के एग्ज़ाम दिए थे, RRB के और NTPC में लग गए और इससे पहले भी 2018 की वैकेंसी क्लियर होगी तो वो सभी तो स्टूडेंट उनमें लग चुके हैं, तो वे इस एग्ज़ाम को नहीं देने वाले हैं, तो कॉम्पिटिशन और भी बहुत कम रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग थोड़ी भी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर दोस्तों हम 2018 की वैकेंसी के बारे में बात करें तो उस टाइम पे जो टोटल वैकेंसी थी वो 6,087 थी और इस बार जो 2019 की वैकेंसी बात करें तो जो टोटल वैकेंसी है वो 10,734 है। अगर हम डिटेल में वैकेंसी के बारे में जान लें कि वैकेंसी कितनी है, तो जनरल के लिए 4,287 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, OBC के लिए 2,914 पोस्ट के लिए, EWS के लिए 1,074 पोस्ट के लिए, SC के लिए 1,647 पोस्ट के लिए और ST के लिए दोस्तों 812 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों ये हमने आपको वैकेंसी बताई डिटेल में। अगर दोस्तों हम 2018 की कट ऑफ बारे में जान लें कि उस टाइम पे कट ऑफ क्या गई थी, तो जनरल की उस टाइम पे कट ऑफ थी 71.86, OBC की जो कट ऑफ थी वो थी 66.77, SC की जो कट ऑफ थी वो 60.85 थी, ST की जो कट ऑफ थी दोस्तों वो 57.85 था। उस टाइम पे दोस्तों EWS की वैकेंसी नहीं आई हुई थी, इसलिए EWS का उस टाइम पे कोई कट ऑफ नहीं था। तो दोस्तों अगर हम इसी कंपेयर करते हुए 2019 की जो वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम 2022 के फरवरी में होने वाला है, अगर इसके बारे में जान लें तो इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो जनरल के लिए 61 से 63, OBC के लिए 58 से 60, SC के लिए 52 से 54, ST के लिए 40 से 48 और EWS के लिए दोस्तों 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग इसके बीच में लाइक कर रहे हैं, अगर आप लोगों का नंबर इसके बीच में आ रहा है, अगर आप लोग इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि इससे ज़्यादा ही आप लोगों का मार्क्स आए। अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा गेन किया तो आप लोगों को सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। आप लोगों के बहुत ही कम समय बचा है, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रत्येक कमेंट का आंसर जरूर देंगे और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।